वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद। आज आपके लिए लेके आया हूँ एमएस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इंसर्ट रिबन टैब। जैसे कि आपको पता है, हमने होम रिबन टैब पहले कवर कर रखा है, अब हम शुरू कर रहे हैं इंसर्ट टैब। यहाँ पे हम देखने वाले तीन चीजें, पीओट टेबल, रिकमेंडेड पीओट टेबल एंड देन पीओट चार्ट। ठीक है, सो इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे यूज करना है हमें, वो सब हम शुरू करने वाले। बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो विश यू ए ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। वेलकम बैक दोस्तों। सो ये कुछ डेटा है मेरे पास, करेक्ट। यहां पे हम देखने वाले हैं प्योर टेबल, रेकमेंडेड प्योर टेबल। ठीक है, सो प्योर टेबल क्या होता है, रेकमेंडेड प्योर टेबल्स क्यों यूज करना है एंड देन प्योर चार्ट क्या है, तीनों के तीन डिफरेंट अलग अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्योर टेबल हमें यूज करना होता है डेटा एनालिसिस पर्पस। ठीक है, सपोज आपके पास 5000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, करेक्ट, या फिर 1000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, जहाँ पे आपको चेक करना है पर्टिकुलर कौन से इंटरवल में कौन सा डेटा यू नो ज्यादा आपको कॉल्स हैंडलिंग हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो बीपीओज में इसका यूज होता है, एंड देन किसी एमएस में आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपको एनालाइज करना है पर्टिकुलर इंडिविजुअल वाइज किसका सैलरी यू नो कितने ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब रॉ डंप मैंने ले रखा है, छोटा सा डेटा है, तो इसमें प्योर टेबल की जरूरत नहीं होगी। बट यहाँ पे आपको मैं जस्ट एक डेमो पर्पस बता रहा हूँ कि प्योर टेबल हम कैसे यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सो एंड देन रेकमेंडेड प्योर टेबल, जैसे कि प्योर टेबल हम खुद से मैनुअली जाके ऐड करके करेंगे, एज लाइक रेकमेंडेड प्योर टेबल में क्या होता है, जहाँ पे आपको एक्सेल खुद से रेकमेंड करता है कि आप दिस पर्टिकुलर डेटा में आपको खुद से रेकमेंडेड विद टेबल डेटा आपको शो करेगा। सो मोस्टली अवॉइड करना इस चीज़ को रेकमेंडेड प्योर टेबल में। ठीक है, सो मैं इसको प्रेफर दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, एंड देन अगर आपको यू नो प्योर टेबल के साथ में अगर चार्ट भी शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो आई शो यू दी प्योर टेबल फर्स्ट। डेटा में कहीं पे क्लिक कर दो आप, एक पर्टिकुलर सेल में, एंड देन प्योर टेबल पे क्लिक करना। यहाँ पे कुछ आपको पॉपअप आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो डांसिंग सिलेक्शन टूल, राइट, ये कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करना है। अगर आपको ये पर्टिकुलर जो डेटा है आपका यहीं पे प्योर टेबल यूज करना है, ठीक है, तो आप यहीं पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना, और एल्स न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं आपको एग्जिस्टिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एंड देन न्यू वर्कशीट में आपको प्योर चार्ट के अंदर शो कर दूंगा, करेक्ट। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एंड देन ओके पे क्लिक। ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन दी ओके, आपको कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसे एनालाइज टूल करके कहा जाता है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, प्योर टेबल फील्ड्स है, राइट, एंड देन प्योर टेबल फील्ड्स में अपन जो डेटा है हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला कुछ, ठीक है, जूम कर रहा हूँ थोड़ा, देन वो आपको शो करेगा इस पर्टिकुलर प्योर टेबल फील्ड्स में। अगर आप देखोगे तो प्योर टेबल फील्ड्स मेरा हाइड हो चुका है, वो फिर से ऑन करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है दोस्तों, प्योर टेबल में घबराने जैसी कोई चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, खाली हमें इस चार कॉलम को याद रखना होता है, करेक्ट, याद रखना होता है एज एन हमें किस प्रकार उसका यूज करना है, राइट, वो हमें खाली समझना होता है। एक बार आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप हर एक डेटा को एनालाइज कर पाओगे आपके एंड से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ, जिस मैंने ड्रैग किया उसे क्लिक किया मैंने, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर वैल्यूज में चला जाएगा। देन यहाँ पे क्लिक किया मैंने लोकेशन, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये नेम अगेंस्ट जो नेम है मेरा ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से नेम है, राइट, ये नेम अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो ये कुछ डेटा मेरे को उसने ऐसे डिस्प्ले कराया। बट मैं आपको जस्ट एक टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि नेम्स आर डिफरेंट डिफरेंट, राइट, यूनिक नहीं है यहाँ पे, बट सिमिलैरिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो महाराष्ट्र 3 बार दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट, या फिर यूपी जो है 2 बार है, करेक्ट, तो इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हमें मिलेगा जिससे हम टैग कर सकते हैं कि इस लोकेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज आते हैं एंड उनकी सैलरी क्या है, तो उसके बेसिस पे हमें डेटा रिप्रेजेंट करना होगा यहाँ पे ऑन दिस सैम्पल पर्टिकुलर। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लॉट होने के बाद मैं क्या करूंगा,
ये पर्टिकुलर है, इसे रो उसके अंदर ड्रैग कर लूंगा। अब मुझे शो करेगा बैंगलोर के अंदर बिजल करके है, उनका 9000 है, देन बिहार के अंदर चेरी, ठीक है, चेन्नई के अंदर से रश्मि एंड दी सो कॉल्ड, महाराष्ट्र के अंदर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिससे क्या होगा हमें यू नो इफेक्टिवली हम से सीन कर पाएंगे कि डेटा कहाँ पे कैसा है, एंड देन टोटल उसकी टोटल कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। सो ये हो गया ऑन दिस पार्ट रोज एंड वैल्यूज, ठीक है। अभी कॉलम्स में कैसे यूज करना है इसे, करेक्ट। सो कॉलम्स में मैं अगर इसे ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप देख सको, ये पर्टिकुलर लोकेशन में बिजल है, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से विजुअलाइज हो जाएगा, करेक्ट। टोटल विजुअलाइजेशन है ना, एंड डेटा एनालिसिस है दोस्तों यहाँ पे करने की जरूरत है। एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे फिल्टर करके ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुछ डेटा पुट कर रहा हूँ, एंड देन नेम को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक लोकेशन वाइज ही देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देन यहाँ पे क्लिक करूंगा, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से मुझे डेटा शो करेगा, ओनली सिलेक्टेड वैल्यूज, करेक्ट। सो इसमें इस प्रकार ये फिल्टर ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे दोस्तों रोज जो है, रोज हमें इस प्रकार डेटा शो करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड देन वैल्यूज मोस्टली आई वुड रिकमेंड जो कुछ वैल्यूज है आपका, राइट, डिजिट्स में जो होती है, इंटीजर्स में, डिजिट्स में जितनी वैल्यू आपकी है वो आपको वैल्यूज में पुट करनी होती है, जैसे आपके सैलरी हुआ, एम्प्लॉय आईडी हुआ, एंड सो ऑन। डिजिट्स में जितनी वैल्यू आएंगी आपको, वो वैल्यूज में आपको पुट करनी है। कॉलम्स में आपको जैसा डेटा शो कराना है, उस हिसाब से आप डेटा शो करा सकते हो, करेक्ट। जैसे कि ये नेम मैंने यहाँ पे लिया, एंड देन यहाँ पे, करेक्ट। अब दोस्तों रिक्वायरमेंट ये भी है, करेक्ट, प्रोसेस से हमारे होती है कि यार आई वांट टू शो विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, जो चार्ट वाइज मुझे कुछ शो करे, करेक्ट, कुछ चार्ट भी हो इस चीज का, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो सेम वे में मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन इंसर्ट में जा रहा हूँ, रिकमेंडेड पीओट टेबल आई शो यू, टेबल भी मैं बताता हूँ आपको, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ पीओट चार्ट, यहाँ पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा, एंड देन न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग नहीं किया, न्यू वर्कशीट, ओके पे क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो टैब ओपन होगा दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट इज चार्ट एंड सेकेंड इज योर पीओट टेबल फील्ड, जो अपने फील्ड ऐड करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड करूँ नेम, एंड देन सैलरी यहां पे वैल्यूज में, एंड देन लोकेशन, ठीक है, या फिर इस प्रकार ऐड कर दो, तो ये मुझे कुछ विजुअलाइज करके डेटा शो करेगा चार्ट वाइज, करेक्ट। अब इसे मुझे और रिप्रेजेंट करना है मेरे एंड से, ठीक है, तो मैं मेरे एंड से शो करूंगा, एम्प्लॉई शीट, ये टाइटल है मेरा, करेक्ट। एंड देन मुझे क्लिक करना है यहाँ पे, ये मैं बंद कर देता हूँ, मुझे कुछ सेटिंग नहीं करनी यहाँ पे, जस्ट मुझे शो कराना है आपको डेटा लेबल्स, ठीक है। डेटा लेबल्स मैंने ऑन किया ताकि आप देख सको कि विच एम्प्लॉई गॉट ना मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, और किसका कम है, विजुअलाइज आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। इससे क्या होता है पीओ टेबल चार्ट से, जब भी आप पीओ टेबल कुछ यूज करते हो दोस्तों, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, बाद में आपको एक पीओ टेबल चार्ट भी यूज करना होता है जो चार्ट्स के अंदर अवेलेबल ऑप्शंस है, बट यहाँ पे आपको दोनों एट अ टाइम मिल जाता है। जैसे आप डेटा प्लॉट करोगे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, करेक्ट, पीओ टेबल फील्ड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट आपको डिस्प्ले कर देगा, जैसे कि ये मैंने आपको शो किया, राइट। सो बेसिक सी चीज है जिसमें आपको बेसिक वे में बता रहा हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर आप चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें आपको, तो आप फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स इन द बिलो सेक्शन, सो मैं आपको वो रिजॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड देन यहाँ पे प्योर टेबल, रिकमेंडेड प्योर टेबल, अगेन जो मैंने मैनुअली काम करा था, ये मुझे पर्टिकुलर एक्सेल है, ये मुझे ऑटोमेटिकली शो करके दे देगा, ठीक है, ये खुद से बना रहा है।
दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे पीछे भी मैंने जो इंसर्ट किया रहेगा राइट प्योर टेबल एंड दिस थिंग, तो यहाँ पे ना मुझे एक टेबल का नाम पूछता है। अगर आप चाहिए तो आपके प्योर टेबल को आप नाम भी नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो, ऊपर टॉप में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे टेस्ट करके डाल देता हूँ मैं, ठीक है। सो जब भी आप ए टेबल रेंज में कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट नाम आ जाएगा। जस्ट नेमिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्योर टेबल, क्योंकि कैसे होता है ना हम हर टाइम बहुत सारे प्योर टेबल बनाते हैं एक पर्टिकुलर चार्ट के लिए। जैसे मुझे सैलरी बेस्ड लोकेशन वाइज बनाना हो राइट, किसी का एम्प्लॉय वाइज बनाना हो, तो हम बहुत सारे प्योर टेबल बनाते हैं। तो वो प्योर टेबल में याद रखने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये नेमिंग कन्वेंशन देना होता है, करेक्ट। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इंसर्ट एंड टेबल। अब यहाँ पे क्या करता है वो पर्टिकुलर जो रॉ डंप है आपका उसको टेबल्स में कन्वर्ट करेगा। क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है सिंपल वे में। यहाँ पे ऑन माय टेबल पर्टिकुलर रॉ डंप आई हैव दी हेडिंग्स, ठीक है। मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर टेबल है मेरा, उसके ऊपर हेडिंग्स है, करेक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट करके आपको दे देगा, सिंपल ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन अगेन जैसे कि प्योर टेबल में आप नाम दे सकते थे वो पर्टिकुलर प्योर टेबल को, वैसे यहाँ पे आप इसे भी नाम दे सकते हो, करेक्ट। सो सिंपल सा फंडा था। यहाँ पे हमने इंसर्ट में प्योर टेबल, रेकमेंडेड प्योर टेबल एंड देन टेबल एंड इंक्लूडिंग प्योर चार्ट, ये हमने पहले कवर कर दिया। सो नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन, एडिंस एंड चार्ट्स, करेक्ट। सो वंस अगेन दोस्तों हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, थैंक यू।